हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो पीरियड्स मिस होने से पहले ही आपको प्रेगनेंसी है या नहीं ये पता करने में बहुत हेल्प करेगी। अक्सर महिलाएं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हैं जब वो सालों से प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं और फिर उनका जब ओवुलेशन आता है तो ओवुलेशन से लेकर के पीरियड्स डेट तक का जो आपका समय होता है वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इन दिनों में आप यही सोचती हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे 4 से 5 लक्षण बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो, और बहुत सारी महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान महसूस किए भी हैं। ये ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये सारे ही सिम्टम्स आप में अगर अपीयर होते हैं तो आप मेक श्योर विदाउट एनी टेस्ट ये जान पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या फिर नहीं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, वो है ब्रेस्ट में सोरनेस और टेंडरनेस का होना। आपके ब्रेस्ट में एक तरह की सेंसिटिविटी हो जाती है जो आपके निपल के एरिया के आसपास में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके शरीर के अंदर हॉर्मोन्स बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के तो बेसिकली ये आपके पल रहे नन्हे से भ्रूण को नरिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इसकी वजह से ही आपके निपल में अस्तनों में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। ये दर्द या तो चुभने जैसा या फिर कंटिन्यूसली वन निपल के अंदर या फिर दोनों ही निपल्स में हो सकते हैं। ये पेन आपको पीरियड्स डेट के मिस होने के लगभग 1 वीक पहले से महसूस हो सकता है। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है फ्रेंड्स कि कई बार जब हार्मोनल चेंजेस महिलाओं के बॉडी में होते हैं तो कई सारे ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं जिसको बॉडी अडॉप्ट करने में टाइम लगाती है, जिसकी वजह से कई बार महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा खुशी का एहसास होता है और कई बार विदाउट एनी रीज़न वो सैड हो जाती हैं। तो ये जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम है वो भी अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी के दिखाई देती है। कई बार कई सारी महिलाओं को 9 महीने तक ये प्रॉब्लम होती ही रहती है। इस वजह से प्रेगनेंसी में महिलाओं को खुश रहने की और खुश रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स बढ़ने की वजह से जो आपका टेस्ट है वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि वहाँ पे एक मेटालिक सा आपको टेस्ट फील होने लगता है। कई बार जो प्रेगनेंसी के एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो कई सारे टेस्ट को आपको लेने से रोक देते हैं। यानी कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें पर्टिकुलर आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, उसको खाने से वोमिटिंग हो सकती है या वोमिटिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी के बहुत ही कॉमन होती है क्योंकि शरीर नए नए भ्रूण को विकसित करता है तो आपके शरीर में ये सारे ही प्रॉब्लम आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी पहले के 3 महीनों में प्रेगनेंसी के। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है आपके पेट में नाभि के नीचे रह रहकर दर्द होना। ये पेन बहुत माइल्ड सा होता है जिसे हम इम्प्लांटेशन पेन या क्रैम्प के नाम से जानते हैं। जब एक भ्रूण आपके बॉडी में जाता है और फिर आपकी यूट्रस में वो इम्प्लांट होता है तब इम्प्लांटेशन के वक्त में आपके गर्भाशय की दीवार से कुछ खिंचाव होती हैं जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स जैसी फीलिंग आती है। ये फीलिंग बहुत माइल्ड होती है और 1-2 दिन के लिए हो सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट होते ही बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस सी फीलिंग होती है। वीकनेस की वजह से आपके हाथ पैर में दर्द या फिर कमर में दर्द की शिकायत बनी रहती है। ये आपको पहले 3 महीने ज़्यादा परेशान कर सकती है। वीकनेस विदाउट एनी रीज़न होता है। आप कितना भी आराम कर ले आपको नींद ज़्यादा आती है और फिर कई सारे काम ऐसे घर के होते हैं जिसमें मन नहीं लगता है आपका, तो ऐसा कोई भी वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा फील होता है पीरियड डेट के आसपास और फिर पीरियड्स आपके मिस हो गए हैं, ये सारे ही सिम्टम्स आप में अपीयर हो रहे हैं, इट मीन्स आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। तो आई रियली होप कि छोटे से वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने में, और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।